बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा प्यारा किचन। दोस्तों आज हम बना रहे हैं, ये देखिए, इसको सब मिक्स बोलते हैं, ये सब दाल यही रहती है, सब चने है, अक्की मूंग है और लुबिया है, ये सारों को हमने मिक्स में करे है। इनको ये तो ग्राम में देखे तो 200 ग्राम है ये। और ये देखिए, दो मीडियम साइज के टमाटे है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे थोड़े मसाले इसमें जाने वाले, हम आपको यहाँ पे दिखाते। ये देखिए, थोड़ी से अदरक के टुकड़े हमने, इतने से टुकड़े हैं, ये टुकड़ा लिए है। यहाँ पे चार हरी मिर्ची है, एक लहसुन का जवा है पूरा, थोड़ी से कोथमीर है और ये दो छोटे छोटे साइज के खोपरे के टुकड़े। तो ये अगर आपको हम खोपरे वाला बना रहे हैं, अगर आपको नहीं बनाना नारियल वाला तो नहीं बना सकते। अगर ज़्यादा इसमें, इससे ज़्यादा क्वान्टिटी चाहिए नारियल की, तो वो भी डाल सकते हैं आप, आपकी चॉइस। तो चलिए अभी हम इसको पीस के पहले ले आते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। चलते जी, देखिए हमने यहाँ पे कढ़ाई रखे, इस पर हमने दो चम्मच तेल शामिल किए। यहाँ देखिए थोड़े से 6-7 कड़ी पत्ते के टुकड़े हैं और यहाँ पे दो हमने मीडियम साइज की प्याज ली है। इसके अंदर, इसमें हमने दरदरा सा मोटा मोटा सा हमने इनको यहाँ पे इनको फ्राई होने देते हैं, तब कि हम बाकी के वो जो मसाले आपको मेंशन करा है वो पीस के आते हैं। चलो देखिए जी, हमने ये इसमें प्याज का अच्छा कलर आ चुका है इसमें। अभी ये देखिए, जो मसाले हमने आपको दिखाए थे ये ला चुके। अब ये मसाले इसमें डाल के भुनाई करते हैं। चलिए जी, मसाले अच्छे से भुने गए हमारे यहाँ पे। तो ये देखिए, ये जो टमाटर हमने मोटे मोटे पीस में जरा से कट करके रखे हैं, तो ये टमाटर को इसमें डालते हैं, तो वो गलने देते हैं इस पे ढक्कन भी, ताकि जल्दी से टमाटर हमारे माशाल्लाह। मसाला हमारा भुन चुका है, कलर भी देखिए कितना प्यारा सा आया इस पे। ये देखिए टमाटर भी गल चुके हैं। अब इसमें है ना, अभी बाकी है टमाटर के कसर, तो पहले अभी हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो ये देखिए, नमक स्वाद के मुताबिक अपने लिया करें दोस्तों, नमक और मिर्ची अपने क्वांटिटी के हिसाब से लिया करें। ये देखो, एक टीस्पून मिर्चों का पाउडर है, लाल मिर्चों का, एक टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून होममेड गरम मसाला पाउडर। दोस्तों ये तेल वाल की दाल है ना, ये बहुत अच्छी लगती है, बनाया करें आप भी घर में, इसको अच्छे से मिक्स करते। चलिए जी, मसाले हमने जो पाउडर मसाले डाले थे अच्छे से भुना गए हैं, ये देख सकते हैं आप। अब इसी के साथ हम डालते हैं, ये देखिए जो हमने बताए थे आपको तेल वाल की, ये सब मिक्स ऐड करते हैं। चलते जी, देखिए अच्छे से मिक्स करते हैं इनको। और यहाँ पर हम दो गिलास इसमें पानी डालेंगे और इनको फुल आँच पे हम 5-6 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। अगर आपको कुकर में लगाना है तो कुकर में भी आप इसको 2 सीटी देके उतार सकते हैं, लेकिन हम इनको आज कढ़ाई में गला रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे अभी हम 2 गिलास पानी डालते हैं, देखते 2 गिलास पानी में कहाँ तक के गलते, ज़रूरत रहेगी तो आगे चल के। और तो यहाँ पर 2 गिलास पानी हम डालते हैं, ये देखिए बस। अब इस पर हम रखेंगे ढक्कन और 5-6 मिनट इनको फुल आँच पर पकाते। चलते जी, देखिए इसको, ये देखिए कितने अच्छे तैयार हो गए, माशाल्लाह से गल भी गए। हमने 8 मिनट इनको फुल आँच पे गलाए दोस्तों, उसके बाद में हमने धीमा आँच करके इसको 10 मिनट के लिए धीमे आँच पे गलाए इसको। तो ये देखिए बहुत अच्छे से गल चुकी है भाजी हमारी, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे बस अभी हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे, हमें ग्रेवी इतनी ही चाहिए, तो बस यहाँ पर गैस बंद करते हैं। चलिए जी, ये देखिए हम इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कितने मज़े का, हमारी भेल भाल की दाल बोलिए इसको, या आप इसको सब्जी भी कह सकते हैं, जो भी। अगर रेसिपी अच्छी लगेगी दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और ये देखिए, ये आज की हमारी रेसिपी तैयार है। ये आपको कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी, तो कमेंट में बताइएगा दोस्तों। चलिए, आपका बहुत सा ख्याल रखेगा, हमें दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।